नहीं आ गए। आप बोलो बोलो सर। हाँ सरपंच साहब बोलिए रास्ता के बारे में। अजी इस रास्ते का लंबड़दार ने इस रास्ते की गलत बुझाए लिख करके अडीड करा दी। अच्छा, इसलिए शमशान का रास्ता बनने में इन्होंने अपील कर रखी है। एसडीएम साहब से हार लिए और डीसी की अपील लगा दी। अच्छा जी। और ये शमशान का आम रास्ता है और आगे से बन गया 33 फुट और पीछे से भी बन गया। ये थोड़ा सा टुकड़ा बाकी है और ये स्कूल की बाउंड्री है, इसको अटैच कर रहा है और सब मेन रास्ता है पूरे गाँव का। इसकी निकाल दियो फिर मिलेंगे जी। ये हम खड़े हैं गांव मोजाबाद में। ये मोजाबाद का मुख्य रास्ता है, लगभग 40 फुट चौड़ा है। पीछे से मैं साथी चाहूंगा एक बार दिखाएंगे। स्कूल की बाउंड्री के बिल्कुल लगते हुए ये मेन फिरनी है। ये रास्ता बिल्कुल पक्का है, 33 फुट बना हुआ है। 33 फुट बना हुआ है पीछे से भी। और ये लगभग कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? लगभग सब 82 फुट। 82 फुट का ये टुकड़ा बचा हुआ है, जिसमें एसडीएम महोदय से प्रदीप से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ के बीडीपीओ से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पर संज्ञान ले और इसी 82 फीट टुकड़े को इसको बनाए, जबकि एसडीएम कोर्ट में ग्राम पंचायत इस रास्ते पे जीती हुई है। ओके आगे आगे देखिए एक बार। डीसी के अपील लगा दी, 30 तारीख में क्लियर हो जाएगा। बरसात के दिनों में यहाँ से यदि कोई बच्चा निकलता है, कोई बड़ा बुजुर्ग निकलता है, तो पानी भरने के कारण वो चोटिल भी हो सकता है, गिर भी सकता है। हरियाणा सरकार विकास कराना चाहती है, लेकिन कुछ एक जो असामाजिक तत्व है वो विकास में बाधा डालने का काम करते हैं। तो मेरी प्रशासन से पहले बीपी न्यूज चैनल के माध्यम से कि वो मोजाबाद गांव की तरफ देखे और 82 फुट जो टुकड़ा है, मैं एमएलए विधायक साहब से भी कहना चाहूंगा, जरावता साहब से, जरावता साहब यू आर सिंसियर पर्सन और आपका सभी रिगार्ड करते हैं, आप इस मोजाबाद गाँव की समस्या को सुने और इस वीडियो पे जरूर आप कार्रवाई करें। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सला भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा।